गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास एट एंड दिस इज पार्ट फोर ऑफ चैप्टर क्रोप एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था क्रॉप रोटेशन के बारे में तो मिक्स्ड क्रॉपिंग से शुरू करना था हमने जी हाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है इसमें इन दिस मेथड वी ग्रोसॉन मोर क्रॉप्स मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड एक या दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा जो जब एक ही फील्ड में दो से ज़्यादा फसल्स दो से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाएँ जैसे एक क्रॉप दूसरी है ठीक है और एक कोई भी क्रॉप्स दो से ज़्यादा उगाए जाएँ इकट्ठे ग्रोन टुगेदर उसे कहते हैं मिक्सड क्रॉपिंग नाम से पता लग रहा है मिक्स करके द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड ऐसे ही सिलेक्ट करनी चाहिए कि दोनों की जो न्यूट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए अगर एक दूसरे को न्यूट्रेंट्स चाहिए और दूसरा आ, मतलब कि दे रहा है न्यूट्रेंट्स इसी कारण क्रॉप की जो एक दूसरे ऊपर डिपेंड करें और अच्छी तरह से ग्रोन कर पाएँ अगर न्यूट्रेंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट हो ऐसे ना हो कि एक न्यूट्रेंट्स ले ली जाए और दूसरा जो है वो दे ही ना पाए उसके उसमें कमी आ जाए तो इससे क्या हो जाएगा वो दूसरा जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा तो ऐसी क्रॉपिंग करनी चाहिए कि दोनों की जो न्यूट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही रहे तो इसे आगे और पढ़ते हैं जैसे कौन कौन सी ये न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं जैसे देखें जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं जैसे पी सोयाबीन सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट राइस कैन बी ग्राउंड टुगेदर इनको इकट्ठे उगाया जा सकता है क्लियर है जैसे ग्राउंड जो कॉटन का प्लांट होता है और ग्राउंड नट का प्लांट होता है दोनों लेगुमिनियस हैं इनको इकट्ठे उगाया जाता है कॉटन एंड ग्राउंड नट को क्लियर है अगला मेथड आ गया हमने दो मेथड पढ़ लिए है अब तक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्लियर है तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है द यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मेन्योरिंग जब हम मेन्योर और फर्टिलाइजर को फील्ड्स में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मेन्योरिंग ठीक है तो ये क्या करते हैं ये काम दीज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल सॉइल की क्षमता को बढ़ा देते हैं क्लियर है जो मिट्टी की मैन्योर होता क्या है मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रेंट ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोब्स जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं नेक डाई से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं ये प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट है जब प्लांट से स्पोज कर लो कोई पत्ता नीचे गिरा तो वो सूखता रहा होली होली फिर उसमें माइक्रोब्स क्या करते हैं उसको खा जाते हैं डम्पोज तोड़ देते हैं उसको छोटे छोटे या फिर वो खा लेते हैं उनका एक्सक्रीशन जो होता है क्लियर है उनमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स हो जाते हैं क्योंकि वो प्लांट्स का पत्ता है ऐसे तो नहीं था उसमें न्यूट्रेंट्स तो थे कुछ तो वो न्यूट्रेंट्स क्या बन जाता है खाद बन जाता है जिसे मेन्योर कहते हैं क्लियर है clear? तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मतलब ये जो प्लांट एंड एन एनिमल से मिलता है इसी कारण इसे ऑर्गेनिक कहते हैं जो जीव जंतु से मिल यहाँ प्लांट से मिल सकता है या हमें एनिमल से मिल सकता है उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं और ये कैसे बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये आपको याद रखना है कंपोजिट इज़ प्रपेर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल लाइक एनिमल एक्सक्रीटा फेसियल मैटर्स ऑफ ह्यूमन सीवेज वेस्ट वीड्स ड्राई लीव्स अवन बताया जो कंपोजिट बनती है वो इनसे बनती है ड्राई लीव से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे एनिमल का एक्सक्रीटा यूरिन हो गया और फेसियम ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन सीवेज का जो वेस्ट होता है ठीक है वीड्स होते हैं छोटे छोटे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे ये कंपोजिट बनता है कि कहाँ बनता है कंपोजिट पिट में बनता है क्लियर है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोजिट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग इसे कंपोस्टिंग कहते हैं कंपोस्ट बनाने को प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं इसमें क्या होता है वी में डिफाइन कंपोजिटिंग एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें माइक्रोब छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखते नहीं हैं या दिख भी जाते हैं कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो डिकम्पोज करते हैं किसको ऑर्गेनिक मैटर को तो क्या बनाने के लिए मैन्योर बनाने के लिए क्लियर है तो इसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है अब फर्टिलाइजर क्या है फ़र्क क्या है फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस फर्क देखो जो मैन्योर है वो एक तरह की नेचुरल है वो हम जो बायोलॉजिकल माइक्रोब्स हैं वो बनाते हैं अगर हम उसके थोड़े दिनों के लिए रख दें किसी कंपोस्ट पिट में बट फर्टिलाइजर्स जो रहे हैं वो ह्यूमन मेड बनाते हैं केमिकल हमस्टार्स क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर केमिकल मौजूद है दे आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रेंट्स लाइक नाइट्रोजन जैसे अगर हमने नाइट्रोजन वाला लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम ठीक है इसका मतलब क्या है जैसे हमें पता है भी इस क्रॉप इस फील्ड में नाइट्रोजन की कमी है तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल नाइट्रोजन वाला ही जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करेंगे मैन्योर तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैन्योर में बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं बट ये नहीं होगा कि उसमें नाइट्रोजन रिच हो हमें क्या पता उसमें नाइट्रोजन रिच है ठीक है तो मतलब फर्टिलाइजर्स में ह्यूमन मेड है इसी कारण उन्हें उसे उसमें पता है कि इसमें नाइट्रोजन रिच है तो हम उससे क्रॉप को बचा सकते हैं और फील्ड को बचा सकते हैं और फील्ड में नाइट्रोजन की जो रेपलि कमी रेप, 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 है वो उसको पूरा कर सकते हैं क्लियर है समझाइए दोनों में मतलब तो फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं क्लियर है जैसे यूरिया ठीक है ठीक है ना और अमोनियम सल्फेट सुपर फोस्फेट ये केमिकल से बनते हैं जैसे अमोनिया अमोनिया से सल्फर से ऑक्सीजन से मिलाकर इनको अमोनियम सल्फेट बनाते हैं ठीक है पोटाश बनाते हैं नाइट्रोफोस्फेट बनाते हैं ये सारे क्या हैं ये केमिकल्स हैं और ये पर्टिकुलर कमी को दूर करने के लिए बनते हैं जैसे नाइट्रोजन की कमी फॉसफोरस की कमी उसके लिए क्लियर है बट जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका अगर ध्यान सुने और सोलबल इन वाटर ये पानी में जल्दी घुस जाते हैं एंड ईजली और प्लांट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं एंड इंक्रीज द क्रॉप क्रॉप और क्रॉप को बढ़ावा दे देते हैं फर्टिलाइजर आर यूजली अप्लाइड आइर बाई स्प्रेइंग और दो इरीगेशन कैनल इसे एक्चुअल में या तो स्प्रे करके डालना चाहिए फील्ड पे यहाँ थ्रू इरिगेशन कैनल्स जो हमारी कैनल्स होती हैं जहाँ पर पानी सिंचाई होती है पानी जाता है खेतों में वहाँ उस उस थ्रू भी हम डाल सकते हैं एडवांटेजेस क्या है मेन्योर के ठीक है हमने दोनों पढ़ लिए मेन्योर और फर्टिलाइजर अब एडवांटेजेस जानते हैं मेन्योर के द ऑर्गेनिक मैटर द ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर बट ऑर्गेनिक मैटर जो मेन्योर है वो फिर भी फर्टिलाइजर से बढ़िया मान जाती है क्यों पहली बात द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल मैंने और क्या है क्योंकि ये नेचुरल कंपोजिट है और ये माइक्रोव से बनी है और ये वाटर होल्डिंग मतलब कैपेसिटी बढ़ा देती है मतलब पानी को जल्दी अपने आप में अब्जॉर्व करके रखती है मेक्स द सॉयल पोरस सॉयल को पोरस बना देती है थोड़ा सा हल्का हल्का पोरस जिससे इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे बरीक जो में दिखते हैं इतनी जल्दी तो इससे क्या होता है गैसेज एक्सचेंज होंगी प्लांट्स के रूट्स को गैसेज मिलेंगी और प्लांट्स जल्दी ग्रो करेंगे इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स जितने होल्स होंगे जितने पोर्स होंगे उतने ही माइक्रोब्स बनेंगे माइक्रोब्स को मूव करने की आज़ादी होगी आराम से बनेंगे और उतने ज़्यादा माइक्रोब्स बनेंगे जो कि सॉइल फ्रेंडली है मतलब सॉयल के लिए हेल्पफुल है और सोयल का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बना देती हैं मैन्योर बहुत अच्छी दिखती है इससे एड्ज ह्यूमस इसमें छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ह्यूमस होती है जो कि ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स पर्टिकुलर जो भी उनको चाहिए होता है प्लांट्स को वो सारा होता है दैट इज़ ह्यूमस ह्यूमस ऐड कर देते हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं होती क्योंकि ये कंपोजिट पिट में बन जाती है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता एक्सपेंसिव नहीं होती क्योंकि ये वेस्ट से बन जाती है और ये पोल्यूशन वाटर को पोल्यूट नहीं करती क्लियर है तो ये दोनों ये एडवांटेजेस थी मेन्योर की इसलिए मेन्योर पर मैन्योर को थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में फर्टिलाई पर फर्टिलाइजर अभी डिफरेंस पढ़ेंगे समझ आ जाएगा देखें सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं इट इज़ एन इनऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक नहीं है बट ये नेचुरल ऑर्गेनिक है माइक्रोब से बना है ये फैक्ट्री में बनता है ये फील्ड में बनता है डिकम्पोजिशन वेस्ट हो गया प्लांट के रेजी बचे रहन खून से ह्यूमस ये ह्यूमस ऐड नहीं करेगी इसमें ह्यूमस नहीं होती बट ये इसमें लोड्स ऑफ ह्यूमस होती है इसी प्लांट बट इसमें नाइट्रोजन जैसे हम पर्टिकुलर अगर किसी फील्ड में नाइट्रोजन की कमी है फॉस्फोरस की पोटाशियम की वो पूरे कर सकते हैं बट इसमें लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट्स होते हैं प्लांट न्यूट्रेंट्स नहीं होते इसमें ये महंगी है कॉस्टली है ये चीप है सस्ती है इसमें एग्ज़ाम्पल है जैसे यूरिया एंड पोटाश इसमें एग्जाम्पल है जैसे सनहम्प सेबेन्सिया काउडंक ठीक है ये सारे क्या हैं सेबेनिया कावडंक ये सारे क्या हैं मैन्य है ओके okay. आगे हैं डिसडवाटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर यूज़ तो करते हैं पर इसके डिसडवांटेज क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बट द वैन फर्टिलाइजर गेट वास्ड ऑफ थ्रू द इरीगेशन एनफॉल दे रीच वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लीक्स दिस इज़ वाटर पोलूशन हाँ ठीक है इसमें इससे पर्टिकुलर क्रॉप की जो प्रोडक्शन है बहुत तो अच्छी हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है लिखा हुआ ना इंक्रीज द एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्रॉप की ईल्ड अच्छी होती है पर जब हम इस पानी लगाते हैं जैसे हमारी क्यारिय से पानी लगाते हैं हम क्यारियों को तो पानी जो वाश ऑफ हो जाता है कई बार वो नदियों में मिल जाता है लेक्स में मिल जाता है तो वो पानी में जब केमिकल्स जाएंगे जा तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा ना तो वो कि अगर वो पानी हम ह्यूमन कंज्यूम कर लेंगे कंजप्शन करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा जबकि वो तो एनिमल्स को भी किल कर देगा जो क्वेटिक एनिमल्स हैं क्वैटिक मतलब जो पानी में रहते हैं फिशीज़ वगैरह ठीक है क्योंकि ये फर्टिलाइजर जो है नॉन बायोडिग्रेबलेबल है मतलब बायोडिग्रेबल तो मतलब ख़त्म नहीं होते अपने आप इनको पर्टिकुलर कहीं जगह जाकर रिसाइकल किया जाता है इसी कारण ये मिट्टी में मिलेंगे तो सॉयल को भी पोल्यूट कर देंगे तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ फ़ायदे तो हैं बट फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसमें से आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको ऐप आप पे आपने वो मुझे उसका कॉपीज में इसमें ढूंढ के कॉपीज़ में लिख कर देना है आंसर ठीक है फिर कल टेस्ट भी लेंगे आपका जितना हो गया ना उसमें से टेस्ट लेंगे मैं आपको टाइम बता दूंगा थैंक यू